हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मेन एडवाइजर ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ ट्रेड होना है बहुत ही जरूरी। आइए देखते हैं डॉन का ये न्यूज आर्टिकल, ट्रेड विद इंडिया इज नीड ऑफ द आवर। ये कहा है रजत दाऊद ने, जो है एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन टेक्सटाइल कॉमर्स एंड प्रोडक्शन। पास्ट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड होता था और अक्सर पाकिस्तान को टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिस्ट में हम देखा करते थे, मगर अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान से ट्रेड एकदम ठप हो गया है और पाकिस्तान सिर्फ मेडिसिन ही इंपोर्ट करता है इंडिया से। ये हालत इतनी खराब इसीलिए है क्योंकि इमरान खान की पॉलिसी ये है कि जब तक आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं होगा तब तक वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, जो देखा जाए तो आखिरकार अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। क्योंकि कश्मीर अब बेहतर हो रहा है, वहाँ बहुत शांति और अमन फैल चुकी है अब, प्लस इकोनॉमिकली तो उससे काफ़ी बड़ा बूस्ट मिल रहा है, जैसे कि इमाल ग्रुप जो है यूएई का, वहाँ पर बना रहे हैं मॉल्स और बहुत से रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स। इमरान खान को ये पॉलिसी को पूरी तरह से स्क्रिप ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड आराम से 37 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। पाकिस्तान की नज़र इस समय इस बात पर टिकी है कि वो इंडिया से कॉटन लेकर फिर उसके अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाकर सारे दुनिया में बेचें, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा, और वो बांग्लादेश का ही सेम बिजनेस मॉडल यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र बनाए बैठे हैं पाकिस्तान पर, जैसे कि वहाँ के अखबार द डेली स्टार ने ये छापा है कि वी मस्ट कीप एन आई आउट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हिट किया था कपड़ों में और वो वही सेम मार्केट्स को टारगेट कर रहा है जो बांग्लादेश करता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन। आखिर में घूम फिर के एक बात यहीं आती है कि क्या इमरान खान के पास वो विजन है फ्यूचर के लिए या फिर वो विजन है पास्ट के लिए, क्योंकि वो अगर फ्यूचर के लिए सोचेंगे तो उन्हें कश्मीर का मुद्दा भूलकर इस बहुत ही फास्ट पेस्ड इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ना होगा, और अगर वो कश्मीर के बारे में सोचते रह जाएंगे तो उनका ट्रेड इंडिया के साथ कभी वापस से चालू होने ही नहीं वाला। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।